तीन घंटे से ऊपर हो चुके हैं, ज्यादातर मेहमान आकर वापस भी जा चुके हैं। आपके बेटे राहुल का कुछ पता चला? जेठानी साहब, अब तो मेहमान भी तरह तरह की बातें करने लगे हैं। ओबेरॉय साहब, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानता हूँ, वो इतना इर्रेस्पॉन्सिबल नहीं है। जरूर उसके दोस्तों ने कुछ गड़बड़ की है, उन तीनों में से किसी का फोन भी नहीं लग रहा। कल रात से वो कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। जो भी करना है जल्दी कीजिए जेठानी साहब, प्लीज। नमस्ते नमस्ते खन्ना साहब। अलीशा, राहुल आया क्या? नहीं यार, राहुल का फोन भी नहीं लग रहा। 12:30 बज गए, किसी को पता ही नहीं कि राहुल कहाँ है। टू मच यार, ऐसा भी कभी होता है क्या? अपनी शादी के दिन कोई इतना लेट कैसे हो सकता है? I mean, उसके डैड कहाँ पर है? मैं उनसे जाके बात करती हूँ। अरे जूही, जूही रुक। अंकल, राहुल का है? I can't believe this. अपनी शादी के दिन को इतना लेट होता है क्या? Excuse me. Dad. Hello. हाँ बोल रहा हूँ। What? Yes, sir. मिस्टर उज्जवल जेठानी को जानती हूँ? Of course, sir, उन्हें कौन नहीं जानता। होम मिनिस्टर से फोन आया था, मिस्टर जेठानी अपने बेटे राहुल की शादी के लिए मुंबई गए थे। अनफॉर्चुनेटली उनके खंडाला के फार्म हाउस में राहुल की लाश पाई। तुम्हें जल्द से जल्द खंडाला जाना चाहिए, ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है एंड होम मिनिस्टर ने केस समय सौंपी। मुझे जल्द से जल्द राहुल की मौत के जिम्मेदार सलाखों के पीछे चाहिए। एंड वन मोर थिंग, मीडिया शुड नॉट नो एनीथिंग अबाउट दिस केस। मैंने लोकल पुलिस को ऑर्डर्स दिए, क्राइम सीन को वो पोल्यूट नहीं करेंगे। फिर तो मैं जल्द से जल्द वहां पहुंच जाना चाहिए ताकि समय रहते सारे सबूत हमें मिल जाए। यू आर राइट, इसलिए मैं मिस्टर जेठानी के प्राइवेट प्लेन से तुम्हें मुंबई भेज रहा हूँ। वहां से चॉपर तुम्हें खंडा ले जाएगा। राहुल जेठानी, इसकी गर्दन के यहाँ ये कैरोटिड आर्टरी किसी तेज हथियार से काटी गई है, जिसका ब्लेड बहुत ही शार्प और पतला था, जैसे पेपर कटर या स्कैल्पल, जिसकी वजह से बहुत तेजी से और बहुत सारा खून बहा होगा। और एक बात त्रिशा, उस दरवाजे की फ्रेम पे ब्लड मार्क भी है। मतलब खून ऊपर हुआ है इस एरिया में और फिर बॉडी को वॉशिंग मशीन में डालकर उसमें छोड़ दिया। वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट भी था? उससे क्या फर्क पड़ता अगर वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट था या नहीं? कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय द वे, इसकी मौत ब्लड लॉस की वजह से हुई है, डिटर्जेंट के पानी में डूबने की वजह से नहीं। फर्क पड़ता है, इसके हाथ में जो महंगी इमरल्ड रिंग है ना, वो नकली है। मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट दिख रही है। एग्जैक्टली, अगर असली पन्ना होता
तो इतनी देर डिटर्जेंट के पानी में घुल कर खराब हो जाता, लेकिन ये तो एकदम साफ है, इसलिए ये पन्ना नहीं, एक कांच। मतलब चोरी? नहीं, मैं नहीं कह सकता, लेकिन तुम कह सकते। तुम्हारी थ्योरी क्या है? वेल, किलर राहुल को अच्छी तरह जानता था, कोई करीबी इंसान, किसी ने इस पे बहुत नजदीक से वार किया है और असली अंगूठी निकाल कर ठीक वैसी ही एक नकली अंगूठी पहना दी है। मतलब किलर राहुल की रिंग को अच्छी तरह पहचानता था। और हाँ, एक वेल प्लान्ड मर्डर, अ प्रीमेडिटेटेड कोल्ड ब्लडेड मर्डर। व्हाट एल्स आरती? टाइम ऑफ डेथ लगभग 12 से 1 के बीच में। 12:30 से 1:45 के बीच। तुम इतना एक्यूरेट तो नहीं बता सकते? कह सकते, क्योंकि किलर ने सिर्फ अंगूठी नहीं बदली बल्कि घड़ी भी बदल दी है। और नकली घड़ियां वाटरप्रूफ नहीं होती। घड़ी 12:45 पर रुकी है, तो टाइम ऑफ डेथ तकरीबन उसके 15 मिनट पहले। इसका सेलफोन कहाँ है? वो भी गायब। फ्लाइट के लिए टाइम पर क्यों नहीं पहुंचे तुम लोग? एक्चुअली वो हमारी नो टाइम फॉर ऑल दैट। एनीवेज, कल रात राहुल के साथ यहाँ पर कौन कौन था? एनी लीड्स? मैम, कल शाम को राहुल और जूही की प्री वेडिंग कॉकटेल पार्टी थी। राहुल वहां से जल्दी निकल गया और यहाँ फार्म हाउस पे आया था। ये है उसकी फ्रेंड्स की फोटोज। एक का नाम है जय और दूसरे का नाम है मैक्स। जय का फोन स्विच ऑफ आ रहा है और मैक्स अपना फोन उठा नहीं रहा है। हम उनके नंबर ट्रेस कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी जो भी पता चलेगा हम आपको बता देंगे। यहाँ के केयरटेकर का स्टेटमेंट ले लो। साहब, राहुल जेठानी के नाम से एक रात के लिए ये फार्म हाउस किराए पर लिया था उन लड़कों ने। राहुल जेठानी फार्म हाउस किराए पर लेगा? हाउ इज इट पॉसिबल? उसके पास तो ऐसे कई सारे फार्म हाउस होंगे। हो सकता है उसके फ्रेंड्स ने उसके नाम पे बुक किया हो। यहाँ रात को कितने लोग आए थे? जी, 3 लोग आए थे साहब। अरे ये कहाँ ले आए यार? चल दिखाते तेरे को। तू वो सब छोड़ राहुल, आज की रात तेरी आखिरी रात है, क्योंकि कल तो तू शहीद होने वाला। क्यों जय? आओ जी, आओ, 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 स्वागत। अरे वो सब छोड़ो भाई साहब, आप चाबी दो, निकलो, बाकी काम खुद देख लेंगे। ये लीजिए, और देखो किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना, मेरा घर पास में ही है, 10 मिनट की दूरी पे। बिल्कुल, कुछ भी चीज की जरूरत होगी आपको याद करेंगे, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो मैं भूल ही गया। क्या? यही थे वो लोग? जी हाँ मैम, यही लोग थे। अभी कहाँ हैं? हमें नहीं पता। ऐसे कैसे नहीं पता? मैम देखिए, सुबह जब मैं यहाँ आया तो यहाँ कोई था नहीं, सारा फार्म हाउस गंदा पड़ा था। जब मैं साफ सफाई करके ऊपर लॉन्ड्री रूम में गया तो वहां पर मुझे ये लाश दिखाई थी। इसका मतलब सारे निशान साफ कर दिए ना आपने। ठीक है, एक काम करो, अब ये रखो, आपको कुछ भी याद आए इस नंबर पे कॉल करना। व्हाट्सएप? अंग्रेजी भी बोलते हो? जी मेरा मतलब है कि आपके मोबाइल पर व्हाट्सएप है? व्हाट्सएप? वही सर। हाँ, आप मैसेज भी कर सकते हो। जी गौरी, हमें मैक्स की लोकेशन किसी भी तरह ट्रैक करनी होगी। ऑलराइट, आई एम ऑन इट मैम। विक्रम और राजबीर, तुम दोनों मुंबई के लिए निकलो। जूही राहुल की फियांसे थी, उसके साथ उसकी शादी होने वाली थी, इसका मतलब वो उसके सबसे करीब थी। अगर राहुल का कोई भी दुश्मन होगा जूही को जरूर पता होगा। अरे हाँ, वो घड़ी और रिंग के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
वो रहा मैक्स। मैक्स क्या देख रहे हो? ब्लू करंट आइसक्रीम मुझे बहुत पसंद है। चलो तुम्हें आइसक्रीम खिलाते हैं, ठीक है? चलो। मैं नहीं जानता कि मैं कचरे के ढेर में कैसे पहुंचा, मुझे कुछ याद नहीं है। कल रात क्या किया तुमने? मुझे कुछ याद नहीं है। जो याद है वो बताओ, वरना याद दिलाने के और भी तरीके हैं हमारे पास। राहुल के लिए मैंने और जय ने पार्टी रखी और 8 बजे हम लोग फार्म हाउस पर भी पहुंचे थे। फिर क्या? फिर मैंने वो पोस्टर देखा था उस लड़की का, ब्लू करंट आइसक्रीम खाते। ये आज की बात है, कल रात और आज के बीच में क्या हुआ वो बताओ। ने कहा ना मुझे कुछ याद नहीं है। कल रात 12 बजे तुम कहाँ थे मैक्स? ठीक से सोच के बताओ। मैं सो रहा था। कहाँ? गार्बेज डंपिंग ग्राउंड में? नहीं, अपने रूम में। तो फिर ये सेल्फी तुम्हारे मोबाइल पर कैसे आई? इसमें तुम, राहुल और जय साफ दिखाई दे रहे हैं और ये 12:15 बजे ली गई है, जो मर्डर के टाइम के आसपास। मर्डर? किसका मर्डर? स्टॉप प्रिटेंडिंग। तुम्हारे दोस्त राहुल जेठानी का, कल रात किसी ने उसका मर्डर कर दिया। व्हाट? राहुल का मर्डर? व्हाट द हेल? नाटक बंद करो और सच बता। आखिरी मौका दे रही हूँ, वरना जज को बता देना कि तुमने राहुल का मर्डर नहीं किया। मैं क्यों मारूंगा राहुल? मुझे तो पता भी नहीं था कि वो। कैसे नहीं पता? तुम्हारी गाड़ी में राहुल की लाश मिली है। अच्छा वो छोड़ो, ये बताओ 7x2 कितना होता है? What? 7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या नंबर आता है? को 2 से करेंगे तो 4, 5, 7, 10। अच्छा वो छोड़ो, देखो बताओ टाइम क्या हुआ है अभी? 8, 9, 10। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। छोड़ दो, पानी पियो, पानी ना, पानी पियो। इसके हालचाल और हाव-भाव से साफ पता चल रहा है कि ये ड्रग्स के नशे में। तुमने रूफीज नाम के ड्रग का नाम सुना? हाँ, ऑफ कोर्स। याददाश्त का जाना, कुछ भी उटपटांग बोलना, सिंपल सवालों के जवाब ना दे पाना, सिंपल कैलकुलेशन ना कर पाना, सिम्टम्स है। आई एम श्योर इसने रूफी लिया। सिर्फ उसी ने नहीं, राघव मैम, डॉक्टर आरती ने फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भेज दी। राहुल जेठानी के ब्लड में रूफिनॉल नाम का ड्रग मिला है, जिससे याददाश्त लगभग मिट जाती है। और ये ड्रग किसी नौसिखिए ने बनाया। कैसे कह सकते हैं कि ये काम नौसिखिए का और एक्सपर्ट का नहीं? मैम उस ड्रग के केमिकल कंपाउंड की रिपोर्ट्स मैंने देखी है, ये किसी एक्सपर्ट का काम नहीं। ऐसा करो, मैक्स का ब्लड सैंपल टेस्ट के लिए भेज दो, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। वो सच बोल रहा है, क्योंकि जब मैंने उससे कहा कि राहुल की डेड बॉडी उसकी कार से मिली तो उसने ज्यादा कुछ रिएक्ट नहीं किया, सिर्फ एक शॉक था उसके चेहरे पर। तुम्हारी गाड़ी में राहुल की लाश मिली है, वो ये भी कह सकता था कि मैं अपनी कार लेके गया ही नहीं फार्म हाउस, इससे उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड का पता चलता है। लेकिन नहीं, तो बचा केवल जय जो मिसिंग है। और अगर उस रात वहां पर सिर्फ 3 लोग मौजूद थे और राहुल मर चुका है और मैक्स बेकसूर है, तो हो सकता है कि जय ने मैक्स और राहुल दोनों को ड्रग दे दिया हो और फिर राहुल को मारकर उसकी घड़ी और रिंग दोनों बदल दी हो, और इस तरह किया जिस तरह किसी को शक भी ना हो। जाहिर सी बात है, वो उसका दोस्त था तो उसको उसकी हर छोटी से छोटी चीज पता थी। लेकिन जय ऐसा करेगा क्यों? गौरी एक काम करो, मुझे जय की छोटी से छोटी डिटेल्स निकाल के दो, स्पेशली इसकी फाइनेंशियल डिटेल्स। ओके मैम। और हाँ, मुझे कैमरास और मोबाइल के सारे पिक्चर्स चाहिए, कॉकटेल इवनिंग के और उसके बाद फार्म हाउस के। आफ्टर ऑल अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। ओके राग। कोई है जो राहुल को मारना चाहेगा?
राहुल तो एक बहुत ही अच्छा इंसान है। अमित था। I'm sorry. तुमने राहुल को और उसके फ्रेंड्स को आखिरी बार कब देखा था? कल शाम को, शायद कुछ 8 बजे के आसपास। तो चले राहुल, हमारी पहली और आखिरी बैचलर्स पार्टी मनाने। Let's go. Hey guys, hold. जैसे लेकर जा रहे हो ना, वैसे ही वापस भी लेकर आना होगा। बिल्कुल मैडम, आपके होने वाले शोहर को जैसे लेके जा रहे हैं बिल्कुल ऐसा ही वापस लेके आएंगे। चले। Bye guys. अच्छा ये बताओ, राहुल का रिसेंटली किसी के साथ झगड़ा हुआ था? हाँ, 2 दिन पहले राहुल और जय में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। I don't believe this. दिखा दी ना साले अपनी औकात, ब्लडी मिडिल क्लास। देख राहुल, मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ। अच्छा, औकात तो मत जाना दोबारा, वरना क्या कर लेगा? मैं साले तुझे जान से मार डालूंगा। अबे तू क्या जान से मारेगा मुझे? तू इधर आ, तुझे मैं बताता हूँ। साले मेरे टुकड़ों पर पल रहा है तू, तू मुझे क्या जान से मारेगा? मैं उन दोनों को जानती हूँ, वो दोनों क्लोज फ्रेंड्स थे और उन दोनों के पीछे से छोटे मोटे झगड़े तो होते ही रहते थे। एंड जय तो उस दिन ड्रंक था, इट डजंट मीन कि उस दिन। वो तुम हम पर छोड़ दो। एक और चीज, एमरल्ड रिंग जो राहुल ने पहनी थी, कुछ आइडिया है वो कितने की होगी? क्यों? एक्चुअली मैं सोच रहा था कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को भी वैसी रिंग ले लूं, इफ ओनली यू डोंट माइंड। 15 लाख, वो हमारी एंगेजमेंट रिंग थी, मैंने खुद पसंद की थी राहुल के लिए, क्योंकि पंडित जी ने कहा था कि उसे डायमंड सूट नहीं करेगा, उसे मन्ना सूट करेगा, इसलिए 15 लाख की रिंग। I'm sure किला भी ये जानता होगा। इसलिए हमने सारे बड़े जुलूस को इन्फॉर्म कर दिया है, ताकि अगर कोई भी रिंग बेचने आए तो हमें कॉल कर दिया जाएगा। Guess what? जय ने मार्केट से पैसे उठाए थे, उसे पैसे की जरूरत थी, और उसने जिन लोगों से पैसे लिए वो बैंकर्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर उसने लोगों को पैसे नहीं लौटाए तो उसे भारी पड़ सकता है। कितने पैसे लिए थे उसने? 14 लाख से ज्यादा। जय के घर जाके छानबीन करो, कोई ना कोई क्लू तो मिलेगा। Cool. जय, जय, हमने आने में थोड़ी देर कर दी। कैसे ढूंढेंगे उसे? उसका तो फोन बंद है और अब ट्रेस भी नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है उसने कहीं अपना फोन निकाल के फेंक दिया है। यहाँ क्यों? क्योंकि जय के पिता की डेथ हो चुकी है, उनकी तस्वीर वहां वो पूजा के पास लगी है, उसे माला भी चढ़ी हुई है, इसकी माँ की तस्वीर भी है, लेकिन ना कोई माला है ना अगरबत्ती है, मतलब वो जिंदा है, लेकिन मेरे ख्याल से वो यहाँ नहीं रहती, अगर होती तो घर में होती। मेरे ख्याल से वो इस ओल्ड एज होम में रहती है, क्योंकि इस ओल्ड एज होम का कार्ड बाकी के इंपॉर्टेंट नंबर्स और कार्ड के साथ यहाँ मिला है, अदरवाइज इस कार्ड का कुछ काम नहीं है। यहाँ पर विजिटिंग आवर्स और डेज कार्ड के पीछे लिखे हुए हैं, जो कि आज शाम को 4 बजे है। सो
ये वहीं गया होगा. यू गाइस बेटर हरी अप. कूल सर. अंकल अंकल सुनिए अंकल. आंटी आंटी. बाबा आपने मेरी माँ को देखा है? वो जानती देवी वो उस कमरे में रहती थी. जानती देवी? हाँ जानती देवी. जानती देवी? हाँ. उसे उस कमरे में शिफ्ट कर लिया गया. वो उस कमरे में? उस कमरे में. कौन है तुम? क्या जय, इतना मुश्किल था तुझे ढूंढना. चले क्या हुआ बेटा? एवरीथिंग ओके? कौन है तुम लोग? देखिए देखिए आप लोग प्लीज मेरी बात का भरोसा कीजिए. मैंने कुछ नहीं किया. इवन मुझे यकीन भी नहीं हो रहा है कि राहुल को किसी ने मार दिया. देखिए जब मेरी आंख खुली तो मैं खंडाला से और मुंबई के बीच में एक बर्ड सेंचुरी में था. मेरे पास मेरा फोन भी नहीं था. फिर वहां से जैसे तैसे मैं निकल के अपने घर पहुंचा. फिर मैं नहा के अपनी माँ से मिलने गया था और वहां से आप लोग पकड़ के मुझे यहां ले आए. प्लीज ट्रस्ट मी, यकीन कीजिए मेरा. चलो यकीन कर लेते हैं. लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता था कि राहुल मर चुका है तो तुम उसकी शादी पे क्यों नहीं गए? देखिए मैं इतने नशे में था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया. हाँ तो मेरे ओल्ड एज होम में विक्रम को देखकर भागने की कोशिश क्यों की? वो मैं डर गया था. मैंने कुछ गुंडे मवालियों से पैसा उधार लिया हुआ है. मुझे लगा कि आप लोग उन्हीं के आदमी हो तो. सुनो हमारे पास विटनेस है कि तुमने राहुल को मारने की धमकी दी थी पार्टी में. देखिए वो सब सिर्फ मैंने नशे और गुस्से में कहा था. पर राहुल भी जानता है इन बातों का कोई मतलब नहीं है. वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था. ऐसी बहुत सारी लड़ाइयां हुई हमारे बीच में. लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि मैं उसकी जान ले लूंगा. किस बात का गुस्सा था तुम्हें? मैंने उससे 14 लाख रुपए उधार मांगे थे और उसने देने से इनकार कर दिया. उसने मना कर दिया तो तुमने उसे मारकर उसकी घड़ी और अंगूठी ले ली? बिल्कुल नहीं. राहुल मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, भला मैं उसकी जान क्यों लूंगा? अगर वो तुम्हारा दोस्त था तो उसे मारने की जरूरत ही नहीं बनती. तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मैंने उसे नहीं मारा. ऋषभ वो एंगेजमेंट रिंग राहुल के लेफ्ट हैंड में थी. व्हाट? हाँ वो रिंग, एमरल्ड रिंग, वो उसके लेफ्ट हैंड में थी. तो जय बेकसूर है, छोड़ दो उसे. तुमने नई थ्योरी ढूंढ ली है? थ्योरी नहीं है, गलती है खुद की. देखो किलर ने राहुल को मारा, फिर उसकी रिंग और वॉच निकाली. लेकिन किलर उस वक्त पैनिक में था, जल्दबाजी में सबकॉन्शियसली उसने नकली रिंग राहुल के लेफ्ट हैंड में पहना दी. तो क्या हुआ राघव? हमें पता है कि वो रिंग नकली थी और किलर ने वो बदली थी. ऋषभ वो एंगेजमेंट रिंग थी, उसे पहने हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, इसलिए उंगलियों पर रिंग के निशान नहीं पड़े थे, इसलिए मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई. किलर एक औरत है, उसने सबकॉन्शियसली वो अंगूठी उसके लेफ्ट हैंड में पहना दी, क्योंकि औरतें ही एंगेजमेंट रिंग लेफ्ट हैंड में पहनती हैं. Do you see it now? Right. और जय बर्ड सेंचुरी में था ये वो झूठ नहीं बोल रहा है, वो सच कह रहा है. क्योंकि उस बर्ड सेंचुरी में लाल मिट्टी है, ठीक वैसी ही जैसी हमें जय के घर उससे गंदे जूतों पर मिली थी. Means just like Max, जय को भी ड्रग किया गया और फिर उसे बर्ड सेंचुरी छोड़ दिया गया. लेकिन फार्म हाउस पे 3 लोग थे, सबने यही बयान दिया. नहीं त्रिशा, फार्म हाउस पे 4 लोग थे. How can you say that? 4 लोग थे. मैं देखो दिखा दो. राघव देखो देखो. What? वहां 3 नहीं 4 लोग थे. Are you okay, राघव? इस सेल्फी में 3 लोग हैं, साफ नजर आ रहा है.
देखो जो साफ नजर आता है ना सच ठीक उसके पीछे छुपा होता है। गौर से देखो वहां शराब के 3 नहीं 4 ग्लासेस हैं, मतलब जय मैक्स और राहुल के अलावा वहां कोई चौथा भी था, एक औरत और वही खूनी। आप लोग यहां कैसे? मैं तो सब कुछ बता चुकी हूं। क्योंकि तुमने ये नहीं बताया कि जय और मैक्स को ड्रग करके तुमने राहुल का मर्डर कर दिया। What? ये क्या मजाक है? मर्डर की रात 11:30 से 1 के बीच में तुम कहां थी? जूही के घर पे। शादी का घर था तो मैं वहीं रुक गई ना। लेकिन तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स तो कुछ और कहते हैं। ये कहते हैं कि 11:30 से 1 के बीच में तुम फार्म हाउस यानी खंडाला में थी और 9:30 बजे राहुल ने तुम्हें एक SMS भेजा था। देखो अलीशा, इसके आगे झूठ तुम्हें सिर्फ फंसाएगा। So let's just talk straight। देखिए मैं फार्म हाउस गई थी क्योंकि राहुल बहुत कंफ्यूज था शादी को लेकर, वो बहुत घबराया हुआ था, तो मैं बस बात करने गई थी और मैंने उसे मना भी लिया था। पर मैंने ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा कि सब मुझ पे शक करेंगे और लोगों को ये भी ना पता चले कि तुम्हारा और राहुल का फिर चल। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, तुम्हें कुछ वीडियोस दिखा था। इस पहले वीडियो राहुल ने अपने गाल पे स्क्रैच किया और उसके तुरंत बाद तुमने भी उसी जगह स्क्रैच किया अपने गाल पे। इस दूसरे वीडियो में राहुल ने अपने बालों में हाथ घुमाया और उसके तुरंत बाद तुमने भी अपने बालों में हाथ घुमाया। इस तीसरे वीडियो में सब लोग किसी बात पे हंस रहे थे और हंसते हंसते तुमने अपना हाथ राहुल के आर्म पर रख दिया। आइसो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेम और प्रैक्सिज्म का मतलब होता है बिहेवियर। कपल्स यानी प्रेमी या युगल अक्सर अनजाने में एक दूसरे के एक्शन या बिहेवियर को कॉपी करने लगे। ये एक सबकॉन्शियस बिहेवियर होता है। जैसे तुमने हंसते हंसते राहुल का बाजू पकड़ लिया, चाहे तुम्हारे आसपास के लोग कुछ ना समझे लेकिन वो सच ही किया जो मुझसे छुप जाए। खेल खत्म अलीशा, तुम चाहो तो तुम्हारे पिछले 4 या 5 महीनों के फोन रिकॉर्ड्स हम तुम्हें दिखा सकते हैं। राहुल से कितने घंटे कितने दिनों तक तुमने बात की है, दोस्ती और प्यार के बीच का फर्क हम समझ जाएंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वैसे तुम दोनों के बीच ये अफेयर कब से चल रहा था? 2 साल। राहुल और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। राहुल तो बस अपने फैमिली के प्रेशर में आके जूही से शादी कर रहा था। लेकिन तुम उसे शादी के लिए मनाती रही और वो नहीं माना, तो तुमने गुस्से में आके उसका खून कर दिया। तुमने उसकी एंगेजमेंट रिंग बदल दी, पैसों के लिए नहीं, क्योंकि तुम्हें उस एंगेजमेंट उस रिंग से सख्त नफरत थी। उसकी घड़ी तुमने बदल दी, मोबाइल और वॉलेट चोरी कर लिया ताकि कभी भी उस रिंग का राज खुले तो ऐसा लगे कि पैसों के लिए चोरी हुई है और शक तुम पर कभी ना जाए। बायोकेमिस्ट्री के तुम स्टूडेंट रह चुके हो तो जाहिर सी बात है वो ड्रग तुमने बनाया था जो राहुल और उसके फ्रेंड्स को दिया। नहीं, ये सब झूठ है। मैंने राहुल को नहीं मारा, मैं तो राहुल को आज भी प्यार करती हूँ। देखिए, राहुल ने मुझे फार्म हाउस बुलाया था। मैं पहुंची कुछ 11:30 बजे। I have sip. No. I have to drive back. Only come. Soft drink. Come. मैं 12 बजे तक वहां से निकल गई थी और तब तक राहुल बिल्कुल ठीक था। नहीं जाना। Bye everybody। फिर झूठ। रात को 1 बजे तक तुम्हारे सेल फोन को फार्म हाउस के पास के सेल टावर से नेटवर्क मिल रहा था। हाँ, क्योंकि जैसे ही मैं वहां से निकल गई फिर मेरे गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। वाओ, इससे बेटर एक्सक्यूज नहीं मिला तुम्हें? देखिए, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। एक आदमी ने रुक के मेरी मदद भी की थी, इनफैक्ट उसी ने मेरे गाड़ी का टायर चेंज करा था।
ठीक है मान लेते हैं, तो उस आदमी का सेल फोन नंबर नाम कुछ तो पता होगा तुम्हें जिससे कि वो आके गवाही दे सके। अच्छा पिछले दो सालों में तुम और राहुल कई बार मिले होगे अकेले? ज्यादातर होटल्स में और कभी कभी राहुल के फार्म हाउस में। तो इन दो सालों में तुम जिस होटल में गए थे इस सब की डिटेल समझे थे? हेलो एजेंट राघव सीबीआई। हाँ हाँ साहब नमस्ते। देखो अब तुम ही ये केस सॉल्व कर सकते हो। जी मैं हम कैसे साहब कुछ समझे नहीं। देखो अब जरा ध्यान से सोचो गौर से और सोच कर मुझे बता, जब उस दिन तुम सुबह फार्म हाउस पहुंचे थे तो वहां टेबल पर तीन ग्लास थे या चार? हाँ चार थे साहब। देखो ध्यान से याद करके बताओ, ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। नहीं नहीं साहब हम ठीक कह रहे हैं, चार ही गिलास थे क्योंकि हमने खुद ही वो गिलास टेबल से उठाए थे। केस सॉल्व करने के लिए थैंक यू, आई मीन धन्यवाद। नॉट अगेन राघव प्लीज जस्ट रियली स्टॉप इट नाउ। त्रिशा अलीशा ने मर्डर नहीं किया है। और ये तुम कैसे कह सकते हो? चलो मान लेते हैं कि अलीशा ने मर्डर किया, मतलब उसने बहुत सारी एडवांस में प्लानिंग की होगी, उस रिंग और वॉच का डुप्लीकेट बनाया होगा, ट्रक बनाया होगा, राहुल का मर्डर करके जय और मैक्स को दो अलग अलग लोकेशंस पर छोड़ा होगा ताकि और कंफ्यूजन क्रिएट हो, करेक्ट? मतलब ये लड़की एक बहुत ही शातिर लड़की। That's it, case solved. लेकिन वहां चार ग्लासेस थे। राघव ये हमें पता है, हमने फोटो में देखा है, तुमने हमें बताया है, अलीशा ने खुद कन्फेस किया कि उसने वहां पर सॉफ्ट ड्रिंक पी थी। लेकिन वो चौथा ग्लास सुबह तक उस टेबल पर था जो कि उस फार्म हाउस के केयरटेकर ने सुबह खुद धोकर साफ करके रखा था। अगर अलीशा इतनी ही शातिर क्रिमिनल है तो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है? खुद अपना डीएनए उस टेबल पर कैसे छोड़ सकती है हमारे लिए? और मोबाइल, सब जानते हैं कि मोबाइल ट्रेस करना कितना आसान काम, उसने ऐसी गलती कैसे कर दी? सो शातिल क्रिमिनल, इतनी बड़ी गलती, नॉट पॉसिबल। ऋषा मुझे बस एक काम करने दो। काम डाउन एंड हेल्प अस हियर। सबकॉन्शियस माइंड पता है, अवचेतन मन, वो सब कुछ रिकॉर्ड करके रखता है, वो चीजें भी जो हम भूल जाते हैं। डॉक्टर कामत तुम्हें हिप्नोटाइज करेंगे, तुम्हें उस रात में लेकर जाएंगे और शायद तुम कुछ ऐसा देख सको या बता सको जो हमारी मदद कर दे। रिलैक्स, अब धीरे से उस रात में वापस जाओ। तुमने सब देखा है, तुम जानते हो, अब तुम वहां मौजूद हो। पार्टी ड्रिंक्स बाद में आधी रात को तुम लोग वहां से कहां गए? कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मैक्स क्या दिखाई दे रहा है तुम्हें? क्या है तुम्हारे सामने इस वक्त? गाड़ी में पीछे की सीट पर। तो गाड़ी चला कौन रहा है? एक औरत
और क्या दिखाई दे रहा है? ब्लू ड्रेस में औरत। अलीशा ने कॉकटेल में ब्लू ड्रेस पहना था, राइट? राइट। ये राघव की थ्योरी पहली बार गलत निकली है। हमेशा तो सही नहीं हो सकता ना। मैं कुछ सरप्राइज्ड हूँ। देखो जूही, जो कुछ भी हुआ उसका हमें अफसोस है, लेकिन हम यहां तुम्हें कुछ बताने आए हैं। राहुल वापस तो नहीं आ जाएगा, लेकिन तुम्हारा जानना बहुत जरूरी है। क्या बात है सर? हाँ देखो जूही, तुम्हारा फियांसे राहुल, उसका तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड अलीशा के साथ अफेयर चल रहा था। What? ऐसा नहीं हो सकता सर। राहुल और मैं 2 साल से एक साथ थे, और अलीशा और राहुल दोनों ही मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अलीशा तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आपको जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। That's not all. मेरी टीम का मानना है कि अलीशा ने ही राहुल का मर्डर भी किया। ऐसा नहीं हो सकता है सर। एग्जैक्टली, मैं भी तब से यही कह रहा हूँ, लेकिन मेरी बॉस मान ही नहीं रही है। मतलब? जय और मैक्स को किलर ने ड्रग कर दिया, लेकिन मैक्स ने किलर को देखा, वो एक औरत जिसने ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। मुझे याद है उस दिन अलीशा ने पार्टी में ब्लू ड्रेस पहना था। यस, और तुम्हें उन दोनों के अफेयर के बारे में पता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, तुम्हें तो पता था ना? वो क्या है ना, देखो पिछले 6 महीने में राहुल और अलीशा जिस होटल में रुके हैं, हमने उस सारे होटल्स में क्रॉस चेक किए, पता चला कि एक और आदमी जो हर उस दिन उन होटल्स में जाकर रुका है, कोई मिस्टर रॉय। थोड़ी और पूछताछ की तो पता चला कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। हमने उससे मिलने के लिए राजवीर को भेजा। अब राजवीर क्या थोड़ा रफ, रॉय ने सब उगल दिया कि तुमने उसे हायर किया था राहुल और अलीशा पर नजर रखने की। उनके हर एक स्टेप की खबर वो तुम्हें समय समय पर देता रहा। हाँ, मैं मानती हूँ, पर राहुल मुझसे शादी करने वाला था, अलीशा से नहीं। उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो बदल जाएगा, और मैंने उसे माफ भी कर दिया था। पर मैक्स ने तो वहां पर अलीशा को देखा था ब्लू ड्रेस में, मुझे नहीं। राइट, और तुमने तो येलो कलर का ड्रेस पहना हुआ। या राइट। मैक्स, ऐसे गौरी, मैक्स सर हमें ये बताओ कि गौरी ने कौन सा कलर का सूट पहना हुआ? ब्लू। क्या मजाक कर रहे हो राघव? मजाक नहीं कर रहा, मैक्स कलर ब्लाइंड है, यानी उसकी आंखें सही रंग पहचान नहीं सकती। उसे येलो कलर, येलो नहीं बल्कि ब्लू नजर आता है। तुम्हें याद, जब हम पहली बार मैक्स से मिले थे तब वो ब्लू करंट आइसक्रीम को देखकर एक्साइट हो रहा था, जो जो सामने पोस्टर पे थी। हाँ तो एक्चुअली वो आइसक्रीम ब्लू करंट नहीं, बटर स्कॉच थी। और जो ड्रग जिसने भी शराब की बोतल में डाला, वो कहीं भी आ जा सकता था, तो दुल्हन से बेटर कौन, दुल्हन को कौन रोकता? मिस्टर पटेल, ये बॉक्स किसके लिए? ये साहब के लिए भेजना है। ओह, वहां पर शायद डेजर्ट कम पड़ रहा है, आप प्लीज जाकर जरा चेक कर लो। जी मैडम, मैं भी देखता हूँ। थैंक यू। और जूही भी अलीशा के साथ बायोकेमिस्ट्री की स्टूडेंट रही है, तो ड्रग बनाना उसके लिए कुछ बड़ी बात नहीं। अब बस जूही को लोकेशन पर पहुंचना था, वो अलीशा ने हेल्प कर दी। ओके, नाउ बहुत लेट हो गया, आई एम लीविंग, ओके बाय।
देवी ऊपर चल रहे रूम में राहुल का मर्डर करके तुमने उसके दोस्तों को अलग अलग जगह छोड़ दिया हमें मिसगाइड करने के लिए। लेकिन सही बात तो यह है कि तुमने राहुल को भी माफ ही नहीं किया। तुम उससे बदला लेना चाहती थी, बस तुम्हें एक सही मौके की तलाश थी जो तुम्हें मिल गई। परफेक्ट। आपकी थ्योरी एकदम परफेक्ट है एजेंट राघव, लेकिन आप कभी प्रूफ नहीं कर पाओगे कि उस दिन मैं फार्म हाउस में थी। आप चाहें तो मेरे फोन रिकॉर्ड चेक कर सकते हो, मेरा फोन पूरी रात घर पर ही था। हमें आपके फोन रिकॉर्ड चेक करने की जरूरत भी नहीं है जूही जी, हमें फार्म हाउस पर आपके डीएनए सैंपल्स मिल गए। आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, हमने टेस्ट किए हैं। वो जो कोल्ड ड्रिंक तुमने पी कर छोड़ी थी वहां टेबल पर, उस ग्लास में तुम्हारा डीएनए मिल गया। आप सरासर झूठ बोल रहे हो, आप मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो। बिकॉज़ मैंने तो कोल्ड ड्रिंक पी नहीं थी, उस दिन अलीशा ने कोल्ड ड्रिंक पी थी, तो आपको वहां पर अलीशा का डीएनए मिलना था, मेरा कैसे मिल सकता है? अच्छा, अगर उस रात तुम बाहर नहीं थे तो तुम्हें कैसे पता कि अलीशा ने वो कोल्ड ड्रिंक पी थी? क्योंकि तुम वहां थी जूही, इंतजार कर रही थी कि कब जय और मैक्स अपना होश खोएं, कब अलीशा वहां से जाए, और फिर तुमने राहुल जेठानी को मार दिया। हाँ, मार दिया मैंने उसे, और इस बात का मुझे कोई अफसोस नहीं है। He was a fraud, cheater. मैंने उसे पूरे दिल से प्यार किया, और उसने क्या किया? धोखा दिया मुझे। He deserved it. He deserved to die. And I killed him. सॉरी सर। डैड, यू नो आई एम नॉट रॉन्ग, ही वाज अ फ्रॉड, इसलिए मैंने उसे मार दिया। डैड प्लीज। राजवीर, क्या नेक्स्ट टाइम वेट, सही और गलत का फैसला सुनाने से पहले केस के खत्म होने का इंतजार करना। ओके।